मूसलाधार बारिश के बीच भाषण होता हुआ और मूसलाधार बारिश के बीच में सारे सुनते हुए। इस वक्त मौजूद हूँ मैं जसपुर के महाराजा चौक में और आज सौर जागरण यात्रा हमारे विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा किया गया। आज जसपुर में सौर जागरण यात्रा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के तत्वाधान में विशाल रैली निकाली गई। यह रैली जसपुर के महाराजा चौक से निकलकर बालाजी मंदिर से होते हुए देशपांडे उद्यान से होते हुए जसपुर बस स्टैंड से होते हुए वापस जसपुर महाराजा चौक में पहुंची, जहां जनसभा लगाई गई थी। लेकिन जैसे ही अतिथियों का वक्तव्य चालू हुआ, इंद्रदेव वर्षा करना चालू कर दिए और भीड़ वर्षा के बीच में भाषण सुनती रही। ये है जसपुर के महाराजा चौक के नीचे विशिष्ट कम्युनिटी हॉल का एरिया। यहाँ पे बाजा बजाने वाले अपना बजाते हुए। इस साइड तीर धनुष लेके भी आए हुए हैं हमारे पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग। कहाँ से या? पटिया पाट पटिया पटिया हमरे देश पर करता आवेंगा। हाँ हाँ, सब पटिया कर रखा। करदना पाट कर। अच्छा, करदना पाट और हर्रा पाट कर। कौन से समाज का रखा तोरे? कोरवा समाज। हाँ। पहाड़ी की दिहाड़ी कोरवा? पहाड़ी कोरवा का। ओ तो धनाई तो मजा लेके धनाई बांस का है मांझल वाला पूर्णा धनी है के। जसपुर के महाराजा चौक से सौर जागरण यात्रा निकल चुकी है। रैली शहर के एक राउंड करके वापस महाराजा चौक आ चुकी है। यहाँ पे जसपुर के महाराजा चौक में कार्यक्रम के बीच में ही बारिश आ गया है। आप देख सकते हैं सारे लोग बारिश के बीच से उठते हुए घर जाएंगे। आचार्य जी का प्रवचन चल रहा है और इसी बीच में बारिश चालू हो गया है। तुम हिंदू नहीं हो, क्या कहते हैं कि तुम गौर धर्म को मानने वाले हो? ये लोग क्या कहते हैं, सनातन धर्म को मानने वाले? मैं पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो आज से 250 साल पहले इस भारतवर्ष में आने के बाद अपने यहाँ
बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। आज आप पूछेंगे, आप बोलेंगे और आप कहेंगे तो निश्चित रूप से मेरे भाइयों, लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे और जब बात सुनेंगे तो आपके नीचे आकर के आपको प्रणाम करेंगे। आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के शौर्य यात्रा में अपने पूज्य आचार्य राकेश जी की उपस्थिति में और इस अभूतपूर्व घनघोर वर्षा में भी लोग उपस्थित रहे, यह निश्चित रूप से हिंदू शक्ति का परिचय है। हिंदू की भावनाएं जागृत हुई है, अब हिंदू समाज खड़ा हुआ है और अन्याय को सहन नहीं करेगा, इसका प्रतिकार करेगा। आज विश्व हिंदू परिषद छत्तीसगढ़ प्रांत के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न स्थानों पर हमारी ये 9 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक शौर्य यात्रा हम सब ने निकाली है। हिंदू अस्मिता, हिंदू स्वाभिमान के बारे में जन जागृति लाने का कार्य आज विश्व हिंदू परिषद कर रहा है और जिसका एक पड़ाव आज जसपुर में था। आप सब ने देखा कि इतने अद्भुत विशाल जनसंख्या के साथ हमने हिंदू जन जागृति की बात की और निश्चित रूप से आज हिंदू जागृत होगा और वापस हम सब अपने देश को वैभवशाली बना पाएंगे। जी, आज सबसे पहले तो मैं जितने भी मीडिया प्रेस वाले हमारे साथी हैं, भाई हैं, उनको मैं बहुत बहुत सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोगों को कि इतनी घनघोर बारिश में भी आप लोगों ने अपना काम नहीं छोड़ा, जिसमें इलेक्ट्रिकल चीज़ें रहती हैं, माइक जैसी चीज़ें रहती हैं, फ़ोन जैसी चीज़ें रहती हैं। आप लोगों को मैं हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आज का जो सफल कार्यक्रम है ये मैं गाँव वासियों को इसका मैं उपलब्धि देना चाहता हूँ कि गाँव वालों के साथ, गाँव वालों के सहयोग से, गाँव वालों के संघर्ष के साथ जो पिकअप भर भर के एक आवाज़ पर, सनातन धर्म के एक आवाज़ पर उन्होंने कट्ठों में आज चाहे कुनकुरी जैसा क्षेत्र हो, जशपुर जैसा क्षेत्र हो, आज उन लोग सब एक साथ आकर सनातन धर्म के लिए उन्होंने आज एक आवाज़ उठाई और धर्मांतरण के विरोध में एक आवाज़ उठाई। हिंदुस्तान वासियों को देखिए, शौर्य जागरण यात्रा जो है ये हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, इनके गौरवशाली इतिहास के बारे में है। अनेक ऐसे लोग समाज के लिए जीते हैं और मर जाते हैं, पर बहुत सारे लोग सदैव याद नहीं रह जाते, ऐसे बहुत ही कम नाम हैं। श्री राम, श्री कृष्ण तो अतुल्य हैं, एक भगवान की श्रेणी में आते हैं, पर आप देखे जाए महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान या आपके क्षेत्र के इस जशपुर के माटी पुत्र युवा हृदय सम्राट हिंदू कुल तिलक कुमार दिलीप सिंह जुदेव, आज अगर युवाओं में, भाइयों में कोई चीज़ की अगर कमी है या इंसानों में कोई चीज़ की कमी है अगर बोला जाए तो संघर्ष की है। मैं मानता हूँ कि आज अगर मनुष्य पुनः संघर्ष करना सीख जाए तो एक एक मनुष्य अपने परिवार का, अपने समाज का नाम ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। यही एक विचार के साथ, यही एक संदेश के साथ आज ये कार्यक्रम की समापन है। आज आप सभी का इस घनघोर वर्षा में, शौर्य जागरण यात्रा में विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के तत्वाधान में और आचार्य श्री राकेश जी महाराज के आशीर्वाद से, चंद्रशेखर भैया जी के मार्गदर्शन से, काका श्री राजीव नंदे जी के सहयोग से आज ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ। और एक बार आप सबके जोरदार तालियां हो जाए इस बारिश में भीग कर इस सभा का। मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा बारिश बहुत हो गई है, पर इतना जरूर कहूंगा कि हो गई है तीन पर्वती, अब पिघलनी चाहिए इस हिमालय से कोई गंगा, अब पिघलनी चाहिए मेरे सीने ना सही, मेरे सीने ना सही तो तेरे सीने ही सही, हो गई की याद आग चलनी चाहिए। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम आप लोगों के आशीर्वाद से कार्यक्रम की समाप्ति की घोषणा करता हूँ। आज का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द ऐसे ही
मस्त धमाकेदार कार्यक्रम में। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। हम जसपुर के सारे एक्टिविटी, संस्कृति, सभ्यता, कल्चर और राजनीतिक से संबंधित सारे जानकारी देते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं बहुत जल्द नए स्टूडियो में।